why I replaced this fixative spray to this. Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, जब भी हम किसी artwork को draw करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं and बहुत ज़्यादा उसमें घंटों के घंटों काम करते हैं, तब जाके वो complete होता है. एंड आफ्टर दैट जब आर्टवर्क कम्प्लीट हो जाता है तो उसको या तो हम फ्रेम करते हैं या फिर हम डिस्प्ले बुक में सेव करके रख देते हैं. लेकिन कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बिगनर्स हैं, जो कि फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ उसमें नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्टली उसे डिस्प्ले बुक में रख देते हैं या फिर उसे फ्रेम करवा देते हैं. सो अगर आप डायरेक्टली उसको फ्रेम करने के लिए दे देंगे एंड डायरेक्टली उसको डिस्प्ले बुक में रख देंगे बिना स्प्रे का यूज़ किए, तो एक टाइम के बाद धीरे धीरे फेड होने लगेगा एंड आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी. सो गाइज, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो स्केच है वो मेहनत है वो बेकार जाए, तो आपको उसको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है फिक्सेटिव स्प्रे की हेल्प से. सो फिक्सेटिव स्प्रे एक ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है जो कि स्प्रे के फॉर्म में आता है, जो कि टिन में आपको मिल जाता है एंड उसको जब आप स्प्रे करते हैं अपने आर्टवर्क के ऊपर तो बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग देता है एंड बिल्कुल फेड नहीं होता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेफ एंड सिक्योर हो जाता है एंड साथ ही साथ वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है. उसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसे की वैसी बनी रहती है जैसे कि आपने ड्रॉ किया था, सेम वैसा. फिक्सेटिव स्प्रे अलग अलग आपको मिलते हैं, जैसे कि ड्राई मीडिया के अलग होते हैं, वेट मीडिया के अलग होते हैं. तो ड्राई मीडिया पे आज हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादातर ड्राई मीडिया पे वर्क करती हूँ एंड ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं मेरे चैनल के वो ड्राई मीडिया के वर्क करने वाले ही हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है गाइस. सो आज मैं यहाँ पे जिस फिक्सेटिव स्प्रे की बात करने जा रही हूँ वो है ब्रुस्ट्रो का आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे. एंड गाइस, इसके पहले भी मैं फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ करती थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि मैंने क्यों रिप्लेस कर दिया उस स्प्रे को इस स्प्रे से, क्योंकि गाइस जो एल्फिना ब्रांड का आप देख सकते हैं ये वाला स्प्रे, वो बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए, अभी ये बिल्कुल वर्थ बाइंग नहीं रहा है. तो यहाँ पे कुछ रीजंस है कि मैं अब इसको रिप्लेस क्यों कर रही हूँ इस फिक्सेटिव स्प्रे के साथ, ब्रुस्ट्रो वाले के साथ. तो यहाँ पे मैं रीजंस भी क्लियर करूँगी एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं ब्रुस्ट्रो का जो फिक्सेटिव स्प्रे है उसके बारे में फुल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी. यहाँ पर गाइज, मैंने ये जो ब्रुस्ट्रो का आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे है इसको करीब एक साल से मैंने यूज़ किया है एंड इसके बाद ही मैं यहाँ पे वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकूँ. सो मैंने ये सेकंड कैन परचेज की है जिसका कि मैं अनबॉक्सिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो. सो इसे मैंने परचेज किया था क्रिएटिव हैंड मटेरियल के वेबसाइट से एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग. तो पैकेजिंग पे मत जाओ गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ गया है. सो कोई बात नहीं, अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे एंड देखेंगे इसके अंदर प्रोडक्ट सही आया है या नहीं. सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल रैप से ये काफ़ी अच्छे से रैप्ड है एंड इसके बाहर की पैकेजिंग भले थोड़ी सी ख़राब हो लेकिन अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा सेफ आया है. सो ये है ब्रुस्ट्रो आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे जो कि मैंने 400 ml में लिया है. सो ये फिक्सेटिव स्प्रे आप देख सकते हैं टिन मटेरियल का है एंड ये एक कैन में आता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टिन की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ पे काफ़ी कलरफुल प्रिंट्स है एंड ब्रुस्ट्रो का यहाँ पे लोगो बना हुआ है, तो ऑल ओवर ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक नोज़ल बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हैं तो ये स्प्रे निकल के आएगा. एंड अब देखते हैं इसका यूज़ करना एंड इसका किस तरीके का रिजल्ट आता है वो भी हम देखने वाले हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क जो कि फुली मैंने ग्रेफाइट से बनाया था. तो ग्रेफाइट पेंसिल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैंने कुछ भी यहाँ पे चारकोल का यूज़ नहीं किया है. तो ऑल ओवर ये एक ग्रेफाइट पोर्ट्रेट है. तो इसको हम आज स्प्रे करके देखते हैं, फिक्स करके देखते हैं इस फिक्सेटिव स्प्रे की हेल्प से. इसको यूज़ करने का भी एक तरीका होता है, तो सबसे पहले आपको काफ़ी अच्छे से इसको शेक करना है कम से कम 4-5 बार. यहाँ पे आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि इसके अंदर एक छोटा सा मार्बल है जो इस स्प्रे को काफ़ी अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है. तो इस मार्बल की हेल्प से काफ़ी अच्छे से मिक्स होता है एंड स्प्रे के लिए ये बिल्कुल ही अब रेडी हो चुका है. अपने आर्टवर्क से 25-30 cm के गैप में ही आपको स्प्रे का यूज़ करना है. ज़्यादा क्लोज अगर आप करते हैं तो स्पॉइल हो सकता है आपका आर्टवर्क. सो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बीच में एक गैप होना चाहिए स्प्रे के एंड आपके आर्टवर्क के बीच में. सो कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे एंड इसके बाद एक और लेयर इस पर प्रोवाइड करेंगे.
सो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मैंने इसको काफ़ी अच्छे से स्प्रे कर दिया है, जिससे कि एक भी कोना नहीं छूटेगा एंड काफ़ी अच्छे से चारों तरफ से ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी सूखने देंगे एंड अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। आप देख सकते हैं आर्टवर्क में एक काफ़ी अच्छी सी शाइन आई है, लेकिन ये जो शाइन है वो काफ़ी ब्लरी नहीं है, काफ़ी अच्छी सी शाइन है, काफ़ी ग्लॉसी सी शाइन है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये अच्छे से फिक्स हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरे हाथ में ग्रेफाइट नहीं लगा है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के भी मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल भी यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेफाइट नहीं दिख रहा है मेरे हाथ पे। तो ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट हो चुका है गाइस। इसके पहले मैं यूज़ करती थी ये एरफिना का कैमल का फिक्सेटिव स्प्रे एंड अब ये जो ब्रिस्टो का स्प्रे है इसको मैंने रिप्लेस क्यों किया है इस स्प्रे के साथ, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ गाइज़ यहाँ पे। इसके पहले मैंने जो ओल्ड वाला फिक्सेटिव स्प्रे है एरफिना का, इसका यूज़ किया था अपने आर्टवर्क्स में। तो वो आर्टवर्क्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उस पर इसका रिज़ल्ट कैसा आया था मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको काफ़ी क्लियरली जो है समझ में आएगा कि क्यों मैंने रिप्लेस किया है ब्रिस्टो का स्प्रे। तो ये वाला आप आर्टवर्क देख सकते हैं माइकल जैक्सन वाला। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था चारकोल एंड ग्रेफाइट दोनों ही, लेकिन अब यहाँ पे रिज़ल्ट देखिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शाइन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, वाइट कास्ट दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे स्क्रैचेस हैं, ये जो यहाँ पे ब्लैक वाला एरिया है जो कैप में, बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। एंड ये जो आर्टवर्क है आप अगर पास से देखेंगे तो बिल्कुल ही ख़राब लगती है इस स्प्रे की वजह से। एंड मैंने इस स्प्रे का वैसे तो काफ़ी सही से यूज़ किया था, मैंने गैप में रख के ही यूज़ किया था, लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ अब अपने आर्टवर्क्स में। एंड मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी अपने इस हाइपर रियलिस्टिक वर्क के लिए, इसलिए मैंने इस पर इस ब्रिस्टो का ही यूज़ किया है फिक्सेटिव स्प्रे। एंड इसके अलावा मैं और भी कुछ ओल्ड आर्टवर्क्स आपको दिखाना चाहती हूँ एंड रीज़न क्लियर करना चाहती हूँ कि क्यों मैंने इस स्प्रे का यूज़ करना छोड़ दिया है एरफिना वाला। तो यहाँ पे एक तो आपने आर्टवर्क देख ली एंड अब सेकंड देखना, तो वो तो था ग्रेफाइट एंड चारकोल मिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चारकोल वर्क आपको दिखा रही हूँ मैं। तो ये जो चारकोल वर्क है इस पर भी मैंने एरफिना का फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ किया था। तो अभी तो आपको ये थोड़ा सा ग्लॉसी दिख रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ क्लोज से दिखा के। अगर इसको आप क्लोज से देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉट्स नज़र आएंगे। एंड सबसे बुरी चीज़ मुझे इस स्प्रे की वजह से फेस करनी पड़ी थी वो ये है कि ये जो आप क्राउन वाला एरिया देख रहे हैं, इस पर मैंने यूज़ किया था वाइट जेली रोल पेन का। तो वाइट जेली रोल पेन के साथ इसने बहुत ही बुरा रिएक्शन किया था एंड पूरा ही ब्लर हो गया था। तो मैंने दोबारा से इसके ऊपर क्राउन पे वर्क किया है इस पेन से, लेकिन वो रिज़ल्ट अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। सो जो भी अगर आप हाईलाइट वगैरह करते हैं, वाइट जेली रोल पेन का यूज़ करते हैं, तो उसके साथ ये फिक्सेटिव स्प्रे जो है कैमल वाला बहुत ही बुरा रिएक्शन करता है। साथ ही यहाँ पे एक और आर्टवर्क आप देख सकते हैं, ये वाला आर्टवर्क मैंने चारकोल से एंड ग्रेफाइट से दोनों से ही बनाया था, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी बुरे बुरे स्पॉट्स देखने को मिले थे वो कैमल वाले स्प्रे का यूज़ करने के बाद। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ब्लर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस थी, मैंने काफ़ी लेयर्स इसमें डाले हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल ही फेड हो चुका है। एंड कहीं कहीं पे हेयर भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बुरा यहाँ पे रिज़ल्ट आया था। जो हेयर हैं, जो मैंने कैमलिन वाला पेंसिल यूज़ किया था, चारकोल पेंसिल, तो ये रिज़ल्ट बहुत बेकार आया फिक्सेटिव का यूज़ करने के बाद। सो यही रीज़न्स है गाइस कि मैं अब इस स्प्रे का यूज़ नहीं करती हूँ एरफिना ब्रांड के स्प्रे का, एंड इसकी जगह मैं ब्रिस्टो के स्प्रे का अब यूज़ करने लगी हूँ। ये वाला आर्टवर्क आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था जेली रोल पेन का, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर से ब्रिस्टो का फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ किया, ये बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ। एंड जैसे कि वैसा ही आप देख सकते हैं रिज़ल्ट है, एंड बहुत ही अच्छा सा ग्लॉसी सा फिनिश है। सो ये तो रही ग्रेफाइट की बात, इसके साथ ही साथ आप चारकोल एंड कलर स्केच में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिज़ल्ट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रिसेंटली वर्क बनाया था कलर स्केच का, तो यहाँ पे भी मैंने इसका यूज़ किया है ब्रिस्टो का फिक्सेटिव स्प्रेस पे यूज़ किया है। एंड यहाँ पे जो फिनिशिंग है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है, एंड ये भी बिल्कुल ही स्मज प्रूव हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो और थोड़ा सा इन्हेंस हो गया है। अगर आप कलर वर्क पे इसका यूज़ कर रहे हैं, जो कलर पेंसिल वर्क होते हैं, तो उससे ये और भी ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी आती है, थोड़ा सा डार्क भी दिखता है जो आर्टवर्क है, एंड काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट भी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप कलर स्केच के अलावा
पिस्टल्स का यूज़ करते हैं, पिस्टल कलर का यूज़ करते हैं, तो भी उस पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आर्टवर्क्स को। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप ग्रे पेपर यूज़ करते हैं, टोंड पेपर, तो टोंड पेपर पे भी काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या स्प्रे करने से ख़राब हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट। ये मैंने बनाया था पूरा ही चारकोल से, एंड वाइट चारकोल का भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सो ब्रूस्टो का स्प्रे मैंने इस पर भी यूज़ किया, एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल ही स्मज प्रूफ हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं कितना ज़्यादा घिस लूँ, ये हाथ में नहीं आने वाला है बिल्कुल भी, इसका एक भी पार्टिकल। तो ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर एंड सेफ हो चुका है। एंड ये जो पेपर है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, इवन ये बहुत ज़्यादा GSM वाला पेपर भी नहीं है, फिर भी ये बिल्कुल ही डैमेज नहीं हुआ है। सो ये वाला आर्टवर्क तो आपने देखा ही था रिसेंटली मेरे चैनल पे, जिस पे कि मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया था, ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ किया था, एंड साथ ही में वाइट चारकोल का भी। तो इसको भी मैंने इसी ब्रूस्टो के फिक्सेटिव स्प्रे से फिक्स किया था, एंड आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल ही स्मज प्रूफ हो चुका है। सो ये आप देख सकते हैं पेपर भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है। सो इसी पे मैंने कुछ कलर वर्क भी बनाए थे, उस पे भी मैंने इस स्प्रे का यूज़ किया है, एंड बहुत अच्छे से ये भी प्रोटेक्ट हो चुका है, फिक्स हो चुका है। सो आपने देखा गाइस कि ब्रूस्टो का स्प्रे कितना ज़्यादा अच्छा वर्क करता है चारकोल के ऊपर, ग्रेफाइट के ऊपर, इवन कलर पेंसिल्स के ऊपर भी। सो अगर आप चाहें तो पेस्टल कलर्स के ऊपर भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो अगर प्राइस की बात करें गाइस, तो ब्रूस्टो का जो फिक्सेटिव स्प्रे है 400 ml का मैंने लिया था 692 rupees में फ्रॉम क्रिएटिव हैंड मटेरियल्स के वेबसाइट से। वैसे तो आपको ये 750 to 850 के अंदर ही मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैंड मटेरियल के वेबसाइट पर जाकर इसको परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कूपन कोड्स मिलते हैं, एंड अगर आप नए होंगे वहाँ पे लॉग इन करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। एंड अगर आप चाहे तो अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं, इस टाइम काफ़ी सेल चलता है, दिवाली का भी सेल अभी आने वाला है जल्दी, तो आपको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाएगा। एंड अगर यहाँ पे हम एल्फिना ब्रांड से इस ब्रूस्टो का कंपैरिजन करते हैं प्राइस को लेकर के, तो प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एल्फिना वाले ने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है प्राइस। मुझे नहीं पता क्यों हाई कर दिया है इनका जो प्राइस है, क्योंकि वर्क ये इतना अच्छा नहीं करता है, एंड ना ही इसका इम्प्रेशन इतना अच्छा है जैसे कि ब्रूस्टो का है। बिल्कुल ही फेड कर देता है आपके आर्टवर्क को, ब्लर कर देता है, फिर भी इनका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। एंड यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये भी है कि ये आपको 400 ml का नहीं मिलता है, ओनली आपको 200 ml का ही मिलेगा। एंड लेकिन ब्रूस्टो का जो फिक्सेटिव स्प्रे है वो आपको 200 ml का भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको परचेस लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज, यू शुड डेफिनेटली बाय दिस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्थ बाइंग है, एंड ये एक बॉटल आपका पूरा एक साल तक आराम से चल जाएगा। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, एंड आपको भी ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड गाइज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस स्प्रे का यूज़ पहले से करते हैं या फिर करने जा रहे हैं तो भी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है एंड पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इस तरीके के वीडियोस के लिए एंड इसके अलावा ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहना। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।